सो है एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और गाइस, सबसे पहले आज हम लोग आए हैं खोले के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। मैं क्या मस्त ग्रीनरी है देखो। सबसे पहले जो हनुमान जी महाराज हैं उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, इसके बाद में निकलते हैं गाइस शियापुर देखने के लिए। सो बने रहना यार व्लॉग के अंदर एंड तक। हम तीन चार जने हैं तो हनुमान जी महाराज की जय। तो आधी बीच में पहुंच चुके हैं धीरे धीरे करके। हनुमान जी महाराज की जय। फाइनली खोले के जो हनुमान मंदिर है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं और अंदर जाकर मैं आप सभी को दर्शन भी करवाता हूं। जय श्री राम। सो नाउ यू आर टेकिंग द ऑस्पिशियस दर्शन ऑफ खोले के हनुमान जी। जो खोले, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सो दर्शन वगैरह कर लिए हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा भी हो गई है। ये है जो खोले के हनुमान जी है, वहाँ का जो पहाड़ों का व्यू है, छोटे छोटे पहाड़ है बट हाँ ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। ये देखो खोले के हनुमान जी जो मंदिर है वहाँ पर कितनी सारी ध्वजाएँ हैं। ये सारे टेम्पल की ध्वजाएँ हैं, जो ध्वजाएँ मतलब चढ़ती हैं ना वो वाली ध्वजाएँ हैं। तो यहाँ पर देखो मतलब कितनी बड़ी बड़ी है। ये वाले देखो कितनी बड़ी है और ये के वाली है। और पहाड़ों का व्यू तो भाई शानदार आ रहा है। हम सब लोगों ने दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, तो कैसा लगा दर्शन करके आप सभी को? मुझे तो बहुत मज़ा आया और हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ ली है मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, काफ़ी मतलब मन शांत हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर मतलब धूप जो बीच में धूप आई थी वो भी मतलब ख़त्म सी हो गई है। तो अभी तो मतलब सारा मतलब मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया और देखो अभी ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही है यहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आया। और अब हम लोग जाएंगे दूसरे लोकेशन पर जो कि होगा गोविंद देव जी का टेम्पल। तो उससे पहले जितना मतलब बीच के अंदर हवा मिल पड़ेगा वो भी हम दिखाएंगे आप सभी को। सो आई होप आपको ये चीज़ तो पसंद आई होगी। ठीक है, इनके देखो मतलब अभी फोटोग्राफी कम्प्लीट हुई ही नहीं, फ़ोटो नहीं खींचेगी अभी तुम्हारी,